में स्कूलों का वक्त बदल दिया गया है। दरअसल एनएसयूआई की तरफ से इस मामले को लेकर ज्ञापन भी दिया गया था और अब जिला शिक्षा अधिकारी ने एक नया आदेश और नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। दरअसल तेज गर्मी पड़ने लगी है और ऐसे में बच्चों के लिए परेशानी का सबब कहीं ना कहीं गर्मी हो रही है और इसीलिए नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। स्कूलों का समय बदल दिया गया। एक पाली में जो स्कूल लगते हैं उनका समय सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक कर दिया गया है, लेकिन जो स्कूल दो पालियों में लगते हैं उनका समय सुबह 7:30 से 11:30 पहली पाली और दूसरी पाली 11:30 से शाम 4:30 बजे तक रहेगी। आगे बढ़ते हैं, राजनांदगांव से खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के नेता जो पार्टी छोड़ रहे हैं, इन नेताओं पर चरण दास महंत जो कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं, अब वो बरस पड़े हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को जूते से मारा जाना चाहिए। दो दिनों से दरअसल चरण दास महंत के बोल इतने तीखे हैं कि किसी को भी शायद रास ना आए, लेकिन चरण दास महंत जो हैं वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। कल आपको याद होगा कि क्या बयान उन्होंने दिया था और आज भी उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जूते से मारा जाना चाहिए जिन्होंने कठिन समय में कांग्रेस को छोड़ दिया, उनको कभी पार्टी में वापस नहीं लेना है, हमने ही ऐसे नेताओं को सिर चढ़ा के रखा था। क्या कह रहे हैं सुनाते। तो ऐसा आदमी बन ले तो हमारे जूता मारना चाहिए, तो ऐसा आदमी बन ले तो हमारे जूता मारना चाहिए। भूपेंद्र भाई अगले बार मुख्यमंत्री बन लेता चोर बगा दूसर बनता कहूँ बनता, ये आदमी मन कठिन समय में हम अल्लाह छोड़ के जा थे, वो बन के कोई पुछारी नहीं होना चाहिए, चाहे हम बोर्ड के पत्र बता दें। इधर महंत ने भूपेश बघेल की सरकार को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया। बघेल सरकार में विधायकों और मंत्रियों के काम नहीं करने के आरोप भी उन्होंने लगा डाले। आरोप क्या, बल्कि उन्होंने यही स्वीकारोक्ति की है कि हम समझ नहीं पाए, हमारे लोग समझ नहीं पाए, जनप्रतिनिधि नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा कि ज्यादा कहेंगे तो लड़ाई हो जाएगी, यानी कि उन्हें पता है कि ज्यादा कहेंगे तो भिड़ंत भी हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी थी लेकिन भाप नहीं पाए, कुछ लोगों ने भाप लिया था लेकिन हमने सुनी नहीं, लेकिन अब स्थिति अलग है। वे लोकसभा चुनाव में राजनांदगांव, कोरबा, कांकेर, जांजगीर चांपा और बस्तर सीट पर कांग्रेस की जीत का दावा भी करते हैं। हम हार गए, मुख्यमंत्री जी नहीं हारे भले ही, मगर हमारे 9-9 मंत्री हार गए, हमारे विधायक जी हार गए, हमारे 1 से लेकर 14 तक विधायक हारे, तो हम लोगों ने कुछ ऐसी गलती की होगी जिसको उस समय हमें ध्यान नहीं आया, मगर लगता है कि हमने कार्यकर्ताओं को नहीं ऐसा मोह पाया होगा या कुछ काम नहीं कर पाए होंगे, तो ऐसी हार को स्वीकार नहीं करना भी तो बेवकूफ़ी है ना। अगर हम अच्छे काम किए होते तो हमारी सरकार होती, हमने काम अच्छा नहीं किया इसलिए हमारी सरकार नहीं है। इतनी छोटी मोटी बातों में मैं झूठ बोलने पसंद नहीं करता। मंत्री ये काम नहीं किए, विधायकों ने, विधायकों ने नहीं किया, मंत्री ने नहीं किया। कुल मिला के सवाल यह है कि सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी थी, वो विधायकों के प्रति भी थी और उसका कारण हुआ कि हम हार गए। भाप नहीं पाए थे आप? कहीं कहीं भापे थे कुछ लोग, मगर कुछ विश्वास भी नहीं कर पा रहे तो उनको जो भाप गए थे उनकी आवाज नहीं सुनी, आपको लगता है कि बैठा दिया गया, चुप करा दिया गया, लड़ाई क्यों शुरू करा रही हो तुम? हमने स्वीकार कर लिया कि हम हारे और चूंकि उस क्षेत्र में सब हारे हैं ना, इसलिए तो उनको आपको लगता है कि आप सच बोलेंगे तो लड़ाई शुरू हो जाएगी? हाँ, हो सकती है, लड़ाई शुरू हो सकती है। और चूंकि हारने के बाद वहाँ के कार्यकर्ताओं में एक निराशा आ गई है, अब उस निराशा को, उस हताशा को आपको पॉजिटिविटी में बदलना भी तो जरूरी है ना। कि आप हार गए हैं, कुछ नहीं उनके पास, ना उनके पास विधायक है, ना कोई मंत्री है, ले दे के एक सांसद है तो उसको जिताओ, मैं आ गया हूँ तो मुझको जिताओ, इस टाइप का चल रहा है, ऐसे करना पड़ता है। इधर भूपेश बघेल के स्लीपर सेल वाले बयान पर कांग्रेस के ही नेता अरुण सिसोदिया ने नोटिस भेज दिया है और अपने वकील के जरिए नोटिस भेजकर 15 दिन में जवाब भी मांग लिया है। स्लीपर सेल कहने पर आपत्ति जताई है और अपमानित करने के आरोप लगाने के साथ ही माफी मांगने की मांग की।
माफी नहीं मांगी गई तो कोर्ट में वाद दायर करने की चेतावनी दी। देखिए पिछले दिनों भूपेश बघेल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी से राजनांदगांव से लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ मेरा आज मानहानि का एक दावा पेश किया गया है जिसमें कि नोटिस भेजकर उनसे 15 दिन के अंदर क्षमा मांगने की बात की है मैंने। प्रधानमंत्री मोदी 8 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे और ये बात डिप्टी सीएम अरुण साहब ने बताई है। कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा झूठ बोलने का इतिहास रहा है, बीजेपी जो कहती है वो करती है, साय सरकार अपने वादे को निभा। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है 8 अप्रैल को, गृहमंत्री जी माननीय अमित शाह जी का भी कार्यक्रम बहुत जल्दी तय होने वाला है और केंद्रीय नेताओं का लगातार आना होगा छत्तीसगढ़। 5 सालों में इनकी सरकार थी, कौन सा वादा पूरा किया इन्होंने, और नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो किया है और ये छत्तीसगढ़ की जनता ने 100 दिन में देख लिया। हमने मोदी की गारंटी की प्रमुख सभी वादे पूरा कर दिए। आज आ जाएं बहस कर लें दीपक बैज जी। कांकेर से बीजेपी के उम्मीदवार भोजराज नाग ने आज अपना नॉमिनेशन कर दिया। नाग के नामांकन के दौरान सीएम साय मौजूद रहे, बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी नामांकन में शामिल हुए। हमारे कांकेर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री भोजराज नाग जी हमारे प्रदेश के यशस्वी चुनाव प्रभारी श्री नितिन नवीन जी हमारे इस क्षेत्र के पूर्व सांसद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक श्री विक्रम उसेंडी जी हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री श्री रामविचार नेताम जी हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी और हमारे पार्टी के वरिष्ठों की उपस्थिति में अपना नॉमिनेशन फाइल किया है और हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि कांकेर लोकसभा चुनाव हम लोग भारी मतों से जीतेंगे। और